प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और सुबह के 11 बज गए हैं, तो सुबह के कामों से हो गई हूँ मैं फ्री। और अब रह गया है भरने को पानी, तो रात भर लाइट नहीं रही, पता नहीं क्यों चली गई थी, बिगड़ गई थी कहीं, तो अभी अभी आई है लाइट, तो अब भरेंगे पानी। पानी भी भर गया है पूरा। और दोपहर के 12 बज रहे हैं और धूप देखिए कितनी तेज़ निकली है, और शाम के टाइम बारिश होती है तो पानी भरने में बहुत ज़्यादा धूप लगी। और इधर देखिए इस पपीते के पेड़ को भी पानी दे दिया है और आम के पेड़ों को भी दे दिया है पानी। प्रथम और गोविंद दोनों दे रहे हैं पानी, तो पूरे में दे दिया है। और इधर पानी भर भी दिया है और पीने का भी भर लिया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा धूप लगी आँखों में, पता नहीं कैसा लगने लगा है। तो बर्तन भी धुल गए हैं हमारे, और अब लगाएंगे पोछा और थोड़ी सी करूँगी किचन में लिपाई। कल नहीं कर पाई थी और बारिश भी आ गई थी रात को बहुत तेज, तो अब करेंगे शाम के टाइम, भले ही बारिश हो जाए। और इधर ये देखिए दोनों भाई कैसे खाना खा रहे हैं और मोबाइल देखकर भाई झूठा वाला बोलें, और कूलर के सामने बैठे हैं दोनों। और प्रथम कल रात में आ गया था शाम को 7:30 बजे, तो तभी से गोविंद उसके साथ ही लगा है। और अब तो बस प्रथम यहाँ पे मेहमानों की तरह ही आएंगे कुछ दिन के लिए, और बस फिर चले जाएंगे। और अभी 20 तारीख को जाना था, तो मुझे जबलपुर जाना है चेकअप के लिए, तो 20 तारीख का जाना उसने कैंसिल कर दिया है। तो अब देखते हैं कब तक निकलेगा घर से, और उसकी मेहनत रंग लाई है, 4 साल मेहनत की है उसने बहुत ज़्यादा। और फिर कुछ व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी कहीं जाके रहने की, तो सब कुछ इतने जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे पूरी व्यवस्था कर देंगे तभी भेजेंगे। ऐसे बालों का तो बहुत जल्दी सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप लोग हमारी परेशानियों को तो देख ही सकते हैं कैसी। जब से हमारा ऑपरेशन हुआ है 4-5 साल हो गए हैं, किडनी खराब हुई है, तब से पैसा तो घर में रुकने का नाम ही नहीं लेता है, और बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही हूँ अभी तो मैं। लेकिन आप प्रथम की पढ़ाई हो गई है पूरी, तो भगवान के आशीर्वाद से देखते हैं आप आगे, कुछ मदद तो हो ही जाएगी। और अगर आप लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद रहा भगवान के साथ साथ, तो मेरी भी ज़िंदगी सुधरने लगेगी, और मैं अपने ही कमाए हुए पैसों से खुद का सुधार करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी किडनी ख़राब हो गई है, तो बदलवानी पड़ेगी, दूसरी डलवानी पड़ेगी। तो आप लोग उसका खर्चा तो जानते ही होंगे कि थोड़ा थोड़े बहुत में तो कुछ ही नहीं होने वाला है। तो बस आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ जल्दी जल्दी होने लगेगा। और प्रथम तो अपनी मेहनत कर ही, और अभी तो उसको कम से कम 1 साल तो और लग ही जाएगी धीरे धीरे करके, और 1 साल मुझे भी हो जाएगी बरसात में वीडियो बनाते बनाते मेहनत करते करते। तो बस आप लोग सपोर्ट करिए, तो उसकी और हमारी खुशियाँ साथ साथ होंगी, उसे भी भगवान की आशीर्वाद से सर ही मिलती रहे, और आप लोगों के आशीर्वाद और सपोर्ट से मुझे भी सफलता मिलेगी, तो मेरी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी और मैं आगे चल के सब कुछ कर पाऊँगी।
और थोड़ी परेशानी भी कम हो जाएगी, प्रथम भी करने लगेगा और हम भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करें। बस वीडियो बनाने की ही मेहनत करती हूँ और थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लेती हूँ बस। और प्रथम कहाँ जाएगा, क्या करेगा, मैं आप लोगों को 30 तारीख के बाद ही बताऊंगी। और हम लोगों का काम तो मेहनत के ही बल पर होता है, और पैसे वाले लोग होते हैं तो पैसों के बल पे भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो मेहनत के सिवा कुछ और नहीं है। तो बस यही चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, आशीर्वाद दें तो हमारी भी मेहनत रंग लाए, तो सबको थोड़ी थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, हमें आप लोगों की मिल जाएगी और फिर हमको भी मिल जाएगी सबकी, तो बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। और एक के करने से तो कुछ भी नहीं होता है, जब सब लोग घर में थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी सब कुछ हो सकता है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आगे बढ़ भी सकती हूँ, भले ही मेरी किडनी और लीवर ख़राब है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा मुझे जीने की आशा रहेगी आप लोगों के सपोर्ट के साथ साथ, और मैं खुश भी रहूँगी। तो मैंने इधर पोंछा लगा लिया है, अब बस खाना बनाते हैं यहाँ, उधर लिपाई करनी है। तो ढेर में डाल के आई हूँ, अब करूँगी लिपाई। तो ये तो कर ली है मैंने, फिर से लिपाई इधर, और कल मैंने इधर से पूरे में ढक डाल दी थी, वो पानी बारिश हुई तो सब ख़राब हो गया था, तो इधर आज फिर से मैंने ढक डाली है और लिपाई कर ली है। और बादल देखिए लिपाई करने के बाद कैसा मौसम आ गया है, बस लगता है रात में आज फिर बारिश होगी, लेकिन मैं लिपाई करने से नहीं मानूंगी, लिपाई तो करके ही रहूँगी। और अभी इधर आंगन में भी करूँगी, चाहे भले ही रात में धुल जाए बिल्कुल बारिश से, लेकिन लिपाई तो करूँगी, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है इधर कैसा खुद गया है। अब तो बारिश हो या ना हो लिपाई तो करके रहूँगी। तो आंगन की भी मैंने लिपाई कर ही ली है, और बादल भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, अब रात तक देखेंगे पानी गिरेगा या नहीं, और गिरेगा तो अच्छा और नहीं गिरेगा तो भी अच्छा। लिपाई तो कर ही ली है, बादल देखिए कैसे काले काले घने बादल आ गए हैं एकदम से पूरे में, चारों तरफ काले बादल छा गए हैं। दोनों बेटे और अब मैं सो रही थी इधर बाजू वाली कमरे में, और ये है हमारी देसी जुगाड़, बाहर से गर्म हवा आ रही थी तो मैंने ये बरसाती लगा ली है, और कूलर चल रहा है और इधर पंखा भी चल रहा है। अब मैं भी आ गई हैं तो बोल रही हैं हमें भी सोना है इधर, तो अब देखिए इतनी सी जगह में कैसे सोएंगे तीन बच्चे। और दोपहर के 3 बजने वाले हैं और अभी सब सो रहे हैं, और अभी उठेंगे तो सबको चाय चाहिए, तो फिर हम बनाएंगे चाय या महिमा बनाएगी चाय। आओ हम तो कुछ बना रहे हैं।
अभी उसको भी सोना है तो बोल रही हम नहीं बनाएंगे चाय। तो ठीक है, ये दोनों उठ जाएंगे और तुम सो जाना। बाहर देखिए कितनी तेज धूप है, तो बाहर तो निकल ही नहीं सकते अभी, और कपड़े भी धोना है मुझे, तो मेहमान ने मुझे तो उठा दिया है और वो जाके सो गई है कूलर की हवा में। कपड़े तो मैंने धो के डाल दिए हैं। ये है हमारी शाम की चाय और दोनों बेटे उठ गए हैं हमारे, और तो मेहमान सो रही हैं अब, तो उसको अभी मिली है जगह सोने को, तो अब पियेंगे हम चाय। तो आ जाइए आप लोग भी पीजिए चाय, और फिर हम भी पियेंगे सब लोग चाय, प्रथम चाय। थैंक यू, वेलकम।